किसी साल के लिए एक गाना गाएंगे। हमारे वसाबी के बड़े भाई है सौरभ भाई। डॉक्टर सौरभ सांगोरे ने एक साथ एक जगह 25 लोगों के साथ केक काटकर मनाया अनोखा जन्मदिन। मुंबई में पहली बार नवंबर महीने में जन्मे 25 लोगों के साथ एक ही जगह पर केक काटकर डॉक्टर सौरभ सांगोरे ने अपना जन्मदिन मनाया। दरअसल बोरीवली में स्थित फीनिक्स हॉस्पिटल के MD डॉक्टर सौरभ सांगोरे का बीती रात यानी 10 नवंबर को जन्मदिन था। इस जन्मदिन को और खास बनाने के लिए उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में नवंबर महीने में जन्मे सभी लोगों को एक साथ एक जगह पर जन्मदिन मनाने का प्लान बनाया और यह सफल भी हुआ। जन्मदिन मनाने वालों में डॉक्टर्स, पायलट, पत्रकार के साथ डॉक्टर सौरभ सांगोरे के ड्राइवर की बेटी भी शामिल थी। डॉक्टर सौरभ सांगोरे ने कहा, मैं खुशनसीब हूँ कि मैं डॉक्टर बना और लोगों की सेवा कर रहा हूँ। जिस भी जरूरतमंद को इलाज कराना है और उसके पास पैसे नहीं है, वह हमारे पास आए, हम उसका इलाज करेंगे। बता दें कि डॉक्टर सौरभ सांगोरे ने कोरोना महामारी के दौरान फीनिक्स हॉस्पिटल के माध्यम से हजारों लोगों का इलाज किया, लोगों की जिंदगियां बचाई। डॉक्टर सौरभ सांगोरे को उनके सराहनीय कार्य के लिए कई अवार्ड भी मिल चुका है। लोगों ने कई लोगों का जन्मदिन मनाया यहाँ पे सामूहिक रूप से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए 10 नवंबर जो मेरा जन्मदिन है, जन्मदिन का मतलब है खुशी का दिन। इसी दिन मेरे को भगवान ने इस दुनिया में भेजा था और मुझे भेजा था इसलिए कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। और उससे अच्छा भगवान ने ये काम किया है कि मेरे को डॉक्टर बनाया, तो मैं बड़े पैमाने पर लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। और जन्मदिन है ना, खुशी का दिन होता है, तो खुशी के दिन अगर आप खुशी को दुगना, चौगुना और 100 times करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि वो सब दोस्तों के साथ मनाना चाहिए, फ्रेंड्स और फैमिली सबको मिला के। तो यही दिमाग में एक सुझाव आया कि क्यों ना हम नवंबर में जो भी बहन हुए हैं, सब जो मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स, तो इनका बर्थडे मैं इसी दिन सेलिब्रेट करूँ और उनके साथ भी मैं खुशियाँ बताऊं। इसीलिए मैं हमेशा करते रहता हूं, ये साल भी किया और हर साल आगे मैं ऐसे ही इसी ढंग से या थोड़ा और डिफरेंट ढंग से मैं सब फ्रेंड्स का, दोस्तों का बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। अच्छा, कोविड में काफ़ी आपने मेहनत किया, आपके सोशल वर्क की काफ़ी चर्चा थी दहिसर बोरीवली में, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को सर ये देना चाहूँगा संदेश कि डॉक्टर के नाते आप अपना ख्याल रखें, हेल्थ का ख्याल रखें। हेल्थ को छोड़ के इस दुनिया में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है हर एक आदमी के लाइफ में। सो अगर कुछ ऐसे हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो कुछ बीमारियां जो हम प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर अगर कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे। और मैं दुनिया से यह संदेश देना चाहता हूँ और आह्वान करूँगा कि मैं डॉक्टर सौरभ सांगोरे, मेरा पूरा टीम और मेरा फिनिक्स हॉस्पिटल सदैव लोगों की सेवा में है। तो गुड विशेस देना चाहूँगी, जैसे उनके विचार है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, ये बहुत ही अच्छा विचार है, इस विचारों पे हम सब चलते हैं, हम भी इसमें बिलीव करते हैं। इसीलिए ये जो हमने हमारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये गेट टुगेदर अरेंज किया है, सबके साथ जो खुशी शेयर करने का एक जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा और बहुत अलग होता है। इसीलिए आई जस्ट विश हिम गुड हेल्थ, सुख, भगवान उनको सुख समृद्धि देवे और इसी तरह वो सबके वो जोड़ के रखे, सबकी हेल्प करते रहे, यही शुभकामना देना चाहूँगा। आज कुल कितने लोगों का साथ में अपने जन्मदिन मनाया है? हमारे कम से कम एक 25 फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, 25 लोगों का हमने यहाँ पे जितने भी नवंबर मॉन है सबका केक कट किया है और साथ में जन्मदिन मनाया। थैंक यू। Happy birthday, doctor. God bless you. Thank you. डॉक्टर साहब ने एक साथ सबका जन्मदिन मनाया यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये, बहुत पहली बार मैंने भी देखा है। एक्चुअली मेरा बर्थडे 3 नवंबर था,
सो दिस कंसेप्ट इज़ लाइक कि नवंबर में जिसका भी बर्थडे है उन सबका सर के साथ आज सेलिब्रेट हुआ है, तो बहुत ही अनोखा कंसेप्ट है एंड मे दिस गो फॉरवर्ड अहेड। अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। जन्मदिन था, शुभकामना यही देना चाहता हूँ कि सर आज जैसे है वैसे ही हमेशा रहे, सबकी सहायता करें और सबको ऐसे ही हेल्प करते रहें। इसे बढ़िया और बर्थडे का और कुछ भी प्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। सबको साथ में लेके चलते हैं हमेशा, आज भी हम लोग वही देख रहे हैं। उन्होंने अपना खुद का अलग से बर्थडे उन्होंने भी रखा नहीं है, सबको साथ में लिया है और सबके लिए एक साथ कर रहे हो बर्थडे प्रेजेंटेशन। मैम आज जन्मदिन मनाया गया डॉक्टर साहब का, उन्होंने अपने साथ में जितने भी उनके सहयोगी थे सभी का जन्मदिन मनाया जो नवंबर में बोल रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, सौरभ सर हमेशा ही खुद के साथ दूसरों का भी कैसे अच्छा हो ये हमेशा सोचते हैं और हमेशा सबको साथ लेके कैसे आगे बढ़े ये उनकी सोच रही है। और मैं ये दिन पे उनको बहुत शुभेच्छा देना चाहूँगी कि उनको आगे ऐसे ही बहुत तरक्की मिले और आगे बहुत अच्छा हो उनको लाइफ में। थैंक यू।